आयल छोड़ दी है गोश्त ने, तैयार है बिल्कुल। अब इसको डिश आउट करते हैं। खड़े मसाले का गोश्त तैयार है, इसको आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने लगी हूँ खड़े मसाले का गोश्त, और ये मटन से बनाने लगी हूँ। ये खड़े मसाले का गोश्त बनता है, बीफ से भी बनता है और चिकन से भी बनता है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं वो ये हैं। मटन लिया है मैंने, आप अपनी हसबी ज़रूरत जितना आपको चाहिए वो आप ले सकती हैं। दो प्याज है, लहसुन आधा कप ऑयल है, और कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है, टमाटर दो टमाटर की पेस्ट है, सब्ज़ मिर्च है चार पाँच, और ये हल्दी, और ये सारे मसाले हैं। बादे खताई के फूल हैं दो तीन, काली सब्ज़ साबुत काली मिर्च है आधी चम्मच, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक चम्मच ज़ीरा है, और आधी चम्मच सूखा धनिया है, और दो बड़ी इलायची है, दो तेज़पात है, और तीन चार लौंग है हमारे पास। तो आए अब बनाते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में आधा लीटर पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर इसके बाद गोश्त, प्याज, लहसुन, ऑयल, टमाटर की पेस्ट। नमक और हल्दी। बस ये चीज़ें डाल के हमने वेट लगा देनी है, बाकी जो चीज़ें वो बाद में ऐड करनी है। इसमें सुरख मिर्च पाउडर नहीं डालना, कुटी हुई लाल मिर्च डालनी, वो बाद में डालनी। दस मिनट के लिए वेट लगानी है आपने। पहले फुल फ्लेम रखनी है, फिर बाद में जब वेट चल जाए तो फिर आपने मीडियम फ्लेम कर देनी है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। और वेट को उठा लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको खोल के देखेंगे। फ्लेम को ऑन कर लें। गोश्त को चेक कर लें कि गोश्त गल चुका, तो फिर इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही तरीके से बिल्कुल गल चुका है गोश्त, अब इसको भून लें। पानी खुश्क कर लें इसका। अच्छी तरह भून चुका है गोश्त, बिल्कुल लहसुन प्याज का मसाला बन चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं, साबुत मसाले, जीरा, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, ये सारे मसाले।
अब इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर डालें कुटी हुई लाल मिर्च एंड पे। लो फ्लेम कर दें बिल्कुल और दम पे रख दें 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम मैंने कर दी है, अब इसको इसी के ढक्कन के साथ दम पे लगा दें। वेट नहीं लगानी ऊपर, ऐसे 5 मिनट बाद खोलते हैं। इसमें सब्ज मिर्चें भी ऐड कर दें और दम पे रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब देखते हैं। आयल छोड़ दिए, गोश्त ने तैयार है बिल्कुल। अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। इसको आप अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं।